हेलो दोस्त, मेरा नाम सुरेश। इसका LPR किट खोलने जा रहे हैं। मतलब रनिंग में गाड़ी बंद पड़ जाता है सिर्फ ब्रेकर सिग्नल पे, और कभी कभी स्टैंडिंग ट्रबल देता है, बंद हो जाता है तो चालू नहीं होता है। तो अभी इसका LPR किट खोलने के लिए ये जो इसके नीचे जो 8 का दो बोल्ट है वो बोल्ट दोनों खोलेंगे, और ये जो गैस का पाइप है ये खोलेंगे क्लिप वाला, इसको ये निकाल देंगे। और ये सोलेनोइड के यहाँ पे ये जो बोल्ट है गैस का पाइप का 19 का, ये भी खोलेंगे और एक किट बाहर निकाल के लेंगे। और एयर पाइप का तो ये रहता है जो बॉडी में लगा रहता है यहाँ पे, इसको भी खोलेंगे, ठीक है। और एक किट बाहर निकालेंगे और इसको खोल के मतलब क्लीन करेंगे अच्छे से। जो जो इसके अंदर प्रॉब्लम रहेगा वो खोलने के बाद ही पता चलेगा, क्या पर्दा गया है, किट का LPR पट्टी गया है, तो बदली करेंगे, ठीक है। अभी ये सब नट बीट ये सब खोल के लेता हूँ बाहर इसको, तो आगे का वीडियो बनाता हूँ। LPR किट के नीचे रहता है 2 बोल्ट 8 नंबर का, तो अभी LPR किट खोल दिया हूँ, ठीक है। ये LPR किट, ठीक है, यहाँ पे रहते देखो ये दो, ये देखो ये दो नट खोल के LPR किट निकाल दिया। और तुमको ये नहीं जमता रहेगा खोलना, तो यहाँ पे दो इसका ब्रैकेट रहता है, ये दो 12 नंबर का बोल्ट रहता है, ये भी खोल के पूरा ब्रैकेट के साथ निकाले। लेकिन ब्रैकेट के साथ निकालने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बाहर जल्दी निकलता नहीं है, तो ये रबर इसमें लगे रहने का, कभी रबर को नहीं निकालना है, सिर्फ वो नीचे से नट दोनों खोल के और इसको निकाल देना है। ये LPR किट, ये 17 का पानी से, ये 19 का पानी से ये पाइप खोल देना है, ठीक है, फटाफट। वो पाइप निकल गया और एयर पाइप, ये अभी ये दिख रहा है 8 नंबर बोल्ट है, ये सब खोलना है टी पानी से। ये सब ढीला कर लेता हूँ पूरा अच्छे से, तब दिखाता हूँ आगे का वीडियो। सब नट इसका ढीला कर लिया हूँ पूरा, ये बोल्ट को निकालना है, देखो इसको अच्छे से, मतलब ये पर्दे को अच्छे से, मतलब इधर से एक्स ब्लेड से पूरा निकाल दिया हूँ मैं, क्योंकि ऐसा डायरेक्ट निकालेंगे तो फट जाता है, क्योंकि पर्दा अच्छा रहता है LPR किट का। तो मतलब अभी ये देखो वो निकाल दिया, देखो इसमें फंसा रहता है, ठीक है, ये उसका पर्दा, पर्दा ख़राब रहेगा तो कैसे पता करते हैं, देखो यहाँ पे कट जाता है, ठीक है, ये कट गया तो मतलब पर्दा ये ख़राब हो चुका है, और ऑयल आने की वजह से भी ख़राब हो जाता है, क्योंकि ये पर्दा फूक जाता है LPR पट्टी का। देखो LPR पट्टी ये है, अभी ये इसका स्क्रू खोलना है, ठीक है, तो स्क्रू खोलने के लिए मतलब स्क्रू ड्राइवर से LPR पट्टी रहता है, तो इसमें खड्डा गिर गया है ऑयल की वजह से, अभी ये अपने को पूरा नया डालना पड़ेगा, ये पट्टी और ये पर्दा, ठीक है। और ये ओल्ड मॉडल था, ठीक है, एयर वाला ओल्ड मॉडल BS3 में ओल्ड वाला निकला था ना, वो मॉडल है, तो अभी इसको न्यू मॉडल बनाएंगे, इसको पूरा बदली कर ये निकाल के फेंक देंगे, फिर तो न्यू मॉडल हो जाएगा। अभी ये मैं खोल के लेता हूँ, तीनों स्क्रू, ये चारों स्क्रू निकाल देता हूँ, उसके बाद वीडियो आगे का दिखाता हूँ। ये अभी ये निकाला है, इसका कुछ काम नहीं है, ये ओल्ड मॉडल का था सिस्टम, तो इसको निकाल देंगे ना तो मतलब निकाल के न्यू मॉडल भी बन जाता है, इसको बैठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसका जो एयर पाइप का ये रहता है, इसको निकाल के यहाँ पे 10 नंबर का बोर्ड लगा देना, एयर वाला सिस्टम बंद हो जाता है और न्यू मॉडल ये LPR किट हो जाता था, जो न्यू मॉडल गाड़ी में आता है BS4 में वैसा हो जाएगा। तो ये अभी इसको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम न्यू मॉडल बनाने जा रहे हैं इसको, तो अभी ये खोल के बदली करना है। अभी ये सब खोल लिए, अभी इसके पीछे साइड में ये 6-8 नंबर का बोल्ट है, इसको भी खोलना है, ठीक है। छः का छः, ये 6 दिख रहा है, 6 बोल्ट इसका खोल लिया हूँ, ठीक है। ये इसका पाटी और ये स्प्रिंग है, ठीक है, और ये पर्दा किट का, पर्दा इधर
फट गया रहेगा तो इसको बदली कर सकते हैं, इधर सड़ गया रहेगा तो भी बदली कर सकते हैं, लेकिन ये पर्दा ओके, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। और इसका ये पट्टी खोल के जो ये इसका स्क्रू और ये पट्टी, ये खराब नहीं होता है, इसको अच्छे से पूरा एकदम क्लीन करके लेता हूँ। ये देखो खुल गया है, दिखाओ जरा, इसको पेटों से अच्छे साफ करके साफ हो गया, इसको कपड़े से साफ करके लेना है पूरा अच्छे से। सब अच्छे साफ कर लिया हूँ, ठीक है, ऐसे धो के लेना, अभी तो ये पर्दे का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये पर्दा भी खराब है और ये इसको तो डालने की कोई ज़रूरत नहीं। अभी ये सब जितना किट दिख रहा है, किट और फिल्टर, ये सब अच्छे से साफ करके लेता हूँ कपड़े से। ये देखो ओल्ड मॉडल का एयर का, ये अभी इसको लगाएंगे नहीं, इसको फिट नहीं करेंगे, अब इसका कुछ काम नहीं है, फिर न्यू मॉडल किट बनाएंगे, तो जो न्यू मॉडल BS4 में आता है वो किट अपन असेंबल करेंगे इसको। तो अभी इसका कोई ज़रूरत नहीं है एयर पाइप का, अभी ये कनेक्शन है इसको बंद कर देंगे, ठीक है। वाइसर ये इसका, अभी इसका कुछ काम नहीं है, इसको हटा दिए। अभी ये बोल्ट है 10 नंबर का, ये वाइसर इसमें लगा के इसको इसके अंदर फिट करके अच्छे से वाइसर बोल्ट के अंदर, और ये देखो वाइसर फिट कर दिया ये बोल्ट के अंदर। अभी ये बोल्ट यहाँ पे लगाएंगे इसको, इस एयर सिस्टम इसका बंद कर दिया अभी, ठीक है। ठीक है, ये भी बंद हो चुका है एयर सिस्टम, और ये इसके ऊपर का जो पर्दा था, अब ये पर्दा लगाने की ज़रूरत नहीं, अभी ये न्यू मॉडल हो चुका है। तो अभी इसके आगे का वीडियो बनाएंगे फिटिंग का, तो यहीं तक ये वीडियो था ओपन करने का। तो ओपन करने के बाद ये पूरा अच्छे से मैंने क्लीन करके लिया, अब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इसको फिटिंग का, ठीक है। अरे अच्छा लगता रहेगा लाइक करना इसको, वीडियो को ओपन किए, ठीक है, कैसा ओपन करना है उसके बारे में बताना था मुझे, लाइक करना वीडियो को, शेयर करना।